हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, या दूसरा नाम इसका है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ऐसी सोसाइटीज, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपस में मिलजुल कर पैसा इकट्ठा करता हो और एक उद्देश्य के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए वो पैसा यूज किया जाता हो, इकट्ठा भी किया जाता हो और उस पैसे को भी फिर यूज भी किया जाता हो। कई लोग मिलके आपस में एक साथ होकर पैसा इकट्ठा करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं और फिर उसी पैसे को जिसको जरूरत होती है उसको दिया जाता है, सिर्फ उन्हीं मेंबर को जो वहां पर हैं। देखिए, बात समझिएगा, अगर इस वीडियो को 11th के बच्चे देख रहे हैं BST बिजनेस स्टडीज में, तो ये आपके पहले चैप्टर में ही है। उस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, उस चैप्टर में ये चौथा पॉइंट है हमारा। ये 11th के लिए लेक्चर 4 है। अब 12th की बात करते हैं। अगर ये बच्चे 12th के लिए देख रहे हैं तो ये बैंकिंग में है, एग्रीकल्चर क्रेडिट के नाम से, उसमें एक चैप्टर है ये एग्रीकल्चर क्रेडिट में। हम पढ़ चुके हैं महाजन एंड साहूकार। हमने क्या पढ़ा कि बैंक के किसान लोग कहां से लोन लेते हैं, पहला महाजन से या साहूकार से। उसके बाद आज पढ़ने वाले हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो लोन देने का काम करती है, क्रेडिट देने का काम करती है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ध्यान रखिएगा इस बात का कि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं। हम आज 11th के लिए पढ़ रहे हैं या फिर आज 12th के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप 12th में हैं तो इसके बेसिस पे बीच में एक टॉपिक अलग हो जाएगा, मैं इस क्लास को अलग कर दूंगा, और ये टॉपिक अलग हो जाएगा, इस क्लास को मैं अलग कर। जहां तक कॉमन है मैं एक साथ ही बना रहा हूं, जहां तक कॉमन है दोनों के लिए वहां तक की बातें एक साथ ही रहने देते हैं, अलग अलग करने की जरूरत क्या है भाई। ठीक है, चलिए मीनिंग पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन। अगर हिंदी मीडियम वाले पढ़ रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, सहकारिता का अर्थ। चलिए देखते हैं कि लिखा क्या हुआ है। द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स working together and with others for a common purpose. सहकारिता का मतलब होता है कि एक साथ मिलजुल कर, अपनों के साथ या किसी बाहरी के साथ मिलजुल कर एक उद्देश्य के लिए, एक कॉमन पर्पज के लिए, एक उद्देश्य के लिए काम करने को कहा जाता है सहकारिता। अच्छा, दूसरा मतलब, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कह रहा है सहकारी संस्थाएं, सहकारी समितियां एक ऐच्छिक संगठन है, किसके, लोगों का, एक ऐच्छिक संगठन है। वॉलेंटरी मतलब होता है ऐच्छिक, अपनी इच्छा पर। हु ज्वाइंस टूगेदर, जो एक साथ मिले हैं,
विथ मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स या सोसाइटी या सोशल कॉज। मेंबर्स सोसाइटी या सोशल कॉज के लिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल देते हैं जिस एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको पूरी बात समझाएंगे, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए अपने सामने, हिंदी में हो तो हिंदी में जो मैंने बोला है वो लिख लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लेते हैं कोई आदमी है ए, इसने सोचा कि समाज में बहुत सारे बूढ़े लोग रहते हैं, समाज में बहुत सारे बूढ़े लोग रहते हैं, उनको इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। तो उसने बात करी बी से, ए बी ने फिर बात करी सी से, ए बी सी ने फिर बात करी डी से, फिर ई से, फिर एफ से। ऐसे ही लोग बढ़ते गए, आपस में बात करते करते बढ़ते गए और क्या बात किए कि देखो यार बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग रहते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, चलो एक ऐसी संस्था बनाते हैं, एक ऐसी संस्था बनाते हैं जिसमें पैसा इकट्ठा किया जाएगा, हम सारे लोग मिलके पैसा इकट्ठा किया जाएगा। जब यहां पे कलेक्शन होगा, कलेक्शन होगा, इस कलेक्शन को हम इस्तेमाल किया जाएगा ऑर्फन एज के रूप में, वृद्धा आश्रम के रूप में, ठीक है। आजकल तो एक वेब सीरीज भी चल रही है आश्रम, है ना, देख रहे कि नहीं, देखते रहिए। वृद्धा आश्रम के रूप में हम इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे, जितने बूढ़े लोग आएंगे उस पे खर्च किया जाएगा। या फिर वृद्धा आश्रम नहीं, मान लेते हैं ये लोग सारे किसान थे, सारे किसान थे, फार्मर्स। अब फार्मर्स के पास पैसे तो बहुत कम होते हैं। एबीसी ने कहा हम लोग ऐसे किसान हैं जिनके पास पैसे होते हैं लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो पैसे इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। तो डी ई एफ भी तैयार हो गए, हाँ यार सही कह रहे हो तुम, गलत नहीं कह रहे हो, कभी कभी अचानक से हमको कुछ खरीदना पड़ जाता है तो हम लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते। ऐसा करेंगे अपने पैसे में से हर महीने 2,000 रुपए सब लोग, 2,000 रुपए सब कोई यहां पे डालेगा, एक फंड बनाया जाएगा, ठीक है, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाएगा और इस फंड को इस्तेमाल कब किया जाएगा, जब ए बी सी डी ई एफ में किसी के पास पैसे की कमी होगी। तो मान लेते हैं ई को जरूरत पड़ गई, तो देखो साल भर में पैसा कितना इकट्ठा हुआ, कितने लोग हैं ए बी सी डी ई एफ, 6 लोग हैं, हर महीने देते हैं 2,000 रुपए, कितना 2,000, तो हर महीने की कलेक्शन कितनी हो गई बेटा 12,000, और पूरे साल की कलेक्शन 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 मंथ होते हैं तो कितना आ जाएगा 1,44,000। साल भर में कितना पैसा इकट्ठा हो गया 1,44,000 रुपए। अब ई को जरूरत पड़ी अगर तो वो वहां से लोन के रूप में पैसा ले सकता। अच्छा, एक कंफ्यूजन है कि सर ये लोन जो ले गया क्या इसे वापस करना है, हाँ बेटा इस पैसे को ई धीरे धीरे करके वापस करेगा,
फिर अगले साल चलता रहा, फिर से 144,000 रुपए और इकट्ठा हुए। सी को जरूरत पड़ गई, सी ने कहा हमको भी लोन चाहिए, तो उसको भी लोन दिया जाएगा, बट बहुत मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे या ना के बराबर, हो सकता है इंटरेस्ट लगे भी ना। ऐसे नॉर्मली बैंक से लेते तो इंटरेस्ट लगता, महाजन या साहूकार से लेते तो इंटरेस्ट लगता बहुत ज्यादा, लेकिन अपनी सोसाइटी बनाई, 2,000 सिर्फ इकट्ठा किया, सिर्फ 2,000 रुपए इकट्ठा किया सब ने हर महीने, तो कितना पैसा इकट्ठा हो गया, एक बहुत ह्यूज अमाउंट इकट्ठा हो गया। तो जब कई लोग मिलके एक संस्था बनाते हैं एक दूसरे की सहायता के लिए, तो उसी संस्था को, उसी एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति। ठीक है, बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे या फिर मेरा नंबर इस्तेमाल कर लेंगे 8957 90 8957 8957 90। देखिए दोनों तरफ कॉमन है, ये बीच में 90 अलग है, बस नंबर याद करने में भी आसान है। ठीक है, नंबर याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद होता है तो सेव कर लीजिएगा। आप इस पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है सर हमारा, एलिमेंट्स या फीचर्स। ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलिमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एलिमेंट्स पढ़ने से पहले एक बात और बता दूं आपको कि जब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, और वो रजिस्टर कराई जाती है एक एक्ट के थ्रू जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। चलिए अब आ जाते हैं अपने एलिमेंट्स या फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें कह रहा है सबसे पहली बात, वॉलंटरी मेंबरशिप, ऐच्छिक सदस्यता। कोई भी बाहरी आदमी भी इसमें आके मेंबरशिप ले सकता है। जानने वाले व्यक्ति तो ले सकते हैं, पर बाहरी आदमी भी अपनी इच्छा से मेंबरशिप ले सकता है और जब चाहे तो वह मेंबरशिप क्विट कर सकता है एक नोटिस देके। दूसरी बात, सेपरेट लीगल स्टेटस, पृथक अस्तित्व, हिंदी में क्या बोलते हैं, यह ऐच्छिक सदस्यता। अपनी इच्छा पे सदस्य बन सकते हैं, अपनी इच्छा पे छोड़ के जा भी सकते हैं। सेपरेट लीगल स्टेटस, पृथक अस्तित्व, जो एक संस्था बनाई गई है उस पे किसी का अधिकार नहीं होता। जितने लोग हैं
वो उसके मेंबरशिप बन सकते हैं, ओनर नहीं बन सकते। मेंबर बन सकते हैं पर ओनर नहीं बन सकते। इसलिए कह रहा है कोई मालिकाना हक नहीं होता। सोसाइटी एक अलग है और उसके मेंबर अलग हैं। अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी इनकी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ मेंबरशिप। भैया मेंबरशिप में जितना अधिकार है सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी होती है, सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कुछ नुकसान हो गया तो जितना पैसा मेंबर सोसाइटी में है सिर्फ उतना ही भरा जाएगा जितनी एसेट है। कंट्रोल, कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? एक आदमी के द्वारा। अच्छा कैसे सर? सारे मेंबर्स जो होते हैं, सारे मेंबर्स, ये डेमोक्रेटिक तरीके से चलता है। हर आदमी का एक वोट होता है, एक आदमी बराबर एक वोट, एक पर्सन बराबर एक वोट होता है। एक आदमी एक वोट दे सकता है। जिस आदमी को चुना जाता है वोट देके, हमने जिताया, जैसे कि हम वोट देके अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, हम वोट देके अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, ठीक उसी तरह ये सोसाइटी पे कौन कंट्रोल रखेगा? तो उसके लिए एक दो लोग खड़े होते हैं कि हम ध्यान देंगे, हम ध्यान देंगे। तो दो लोगों में चुना जाता है कौन किसको ज्यादा वोट मिला। जिसको ज्यादा वोट मिलता है उसी के द्वारा पूरी सोसाइटी पे कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, ये सर्विस मोटिव होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव नहीं। सर्विस मोटिव मतलब हम सेवा प्रदान करने के लिए कोई सोसाइटी बना सकते हैं, पर प्रॉफिट कमाने के लिए सोसाइटी नहीं बना सकते। हमारा मोटिव कैसा होना चाहिए? सेवा भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेवा भाव। सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक मतलब क्या है? सेक्युलर और डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यही मतलब है कि भैया एक आदमी एक वोट, एक आदमी एक वोट, हर आदमी का अधिकार है एक वोट देने का, और बिना वोट के कोई भी अधिकारी चुना नहीं जाएगा, उसका हेड चुना नहीं जाएगा। सेक्युलर, कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म का आदमी इसमें आ सकता है, कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म का आदमी आ सकता है, कोई इसमें मना नहीं कर सकता कि भैया तुम हिंदू हो इसमें नहीं आ सकते, तुम मुस्लिम हो इसमें नहीं आ सकते। सोसाइटीज में ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिकल, जब हम बाहर से कहीं से लोन लेते हैं, पैसा उठाते हैं, तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हाई रेट से। बट अब यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लोन लेता है तो इंटरेस्ट उसको या तो ना के बराबर देना पड़ता है, या बहुत ही कम, बिल्कुल नहीं देना पड़ता, या फिर बहुत ही कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिससे किसी को लोन वापसी में दिक्कत ना हो। चलिए अगला पॉइंट पढ़ेंगे। एक बात और बता दूं, मिनिमम मेंबर, मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर होने चाहिए। एडल्ट मेंबर की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10, कम से कम 10 होनी चाहिए। उससे कम रहेगा अगर, उससे कम रहेगा अगर, 10 एडल्ट मेंबर से कम रहेगा अगर, तो ये सोसाइटी रजिस्टर ही नहीं होगी। ये सोसाइटी सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर ही नहीं हो पाएगी। कंपलसरी 10 एडल्ट मेंबर तो चाहिए ही चाहिए। देखिए आप लोग देखिए, बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, आराम से हम लोग पढ़ेंगे तो सिलेबस पूरा आराम से खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है, कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ते रहिए, और अगर कोई नहीं पढ़ रहा हो तो उससे बोलिए वो पढ़ता रहे, क्योंकि एक साथ जब बोझ बन जाएगा, ये वीडियोस 40-50 हो जाएंगी आपकी, तो दिक्कत होने लगेगी। एक एक दो दो दिन पे अपलोड हो रही हैं, और आराम से पढ़ते रहेंगे तो वो कभी भी बोझ नहीं बनेगी। जितना मैं लिखवा रहा हूँ सिर्फ उतना ही लिखिए, बाकी सब बुक से आराम से पढ़ लिया करिए, बिल्कुल आराम से बुक से पढ़ लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी बात समझ में आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि जितनी बातें मैं समझा रहा हूँ, जितनी जरूरत है आपके लिए, उतना पूरी बात मैं समझा दे रहा हूँ। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान लगा के पढ़ने की जरूरत नहीं है बुक को, आराम से उसको धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए बुक।
बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है तो आपको पूरी बात आपकी बुक से समझ में आएगी। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में तो सब कुछ लिखा ही हुआ है, मैं बोल भी रहा हूँ हिंदी में और आपके सामने लिखा भी हुआ होगा हिंदी में, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा होगा, ठीक है। आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बिना चिंता के, ठीक है, गुड लक। और हाँ एक बात और कि भैया वीडियो जो है अपलोड जो हो रही है, जब मेरा चैनल खोलिएगा कॉमर्स सेट हो तो उसमें प्लेलिस्ट होती है, तो प्लेलिस्ट पे जब जाएंगे आप, जब चैनल को ओपन करेंगे तो ऐसे लिखा होगा इन्फो वीडियोस प्लेलिस्ट, उसके बाद पता नहीं क्या क्या और लिखा होता है। तो प्लेलिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट दिखाएगी, 11th की बिजनेस स्टडीज, 11th का अकाउंट्स, 12th का अकाउंट्स, 12th का बिजनेस, 12th की बैंकिंग, ऐसे सब प्लेलिस्ट बनी होगी। जो आपका सब्जेक्ट हो उसको खोलिए और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ गुण और कुछ दोष, कुछ गुण और कुछ दोष, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या है फायदे। इक्वालिटी इन वोटिंग, मैंने आपसे बताया हर आदमी का अधिकार होता है वोट करने का, एक आदमी बराबर एक वोट, एक आदमी बराबर एक वोट। क्यों भैया? एक आदमी को हेड, जब कोई काम करवाना हो तो सोसाइटी की देखभाल करने वाला एक आदमी होता है, मेन हेड जो होता है, ठीक है। अब सब आदमी वोट देके उस आदमी को चुनते हैं कि ये आदमी हमारी सोसाइटी का ख्याल रखेगा, तो एक आदमी बराबर एक वोट होता है, हर किसी को वोटिंग स्टेटस बराबर मिलता है, ठीक है, कोई भी मेंबर छोटा या बड़ा नहीं होता। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी, जितना एक आदमी ने कैपिटल लगाया है, जितना एक आदमी ने पैसा लगाया है वहीं तक, उस सिर्फ अगर कुछ नुकसान होता है तो वो पैसा तो डूब जाएगा, लेकिन ये आदमी जो है, ये आदमी कभी घर से फिर से दोबारा पैसा लाके किसी आदमी को पैसा देने की जरूरत नहीं, जितना पैसा उसका बिजनेस में लगा हुआ था सिर्फ वहीं तक लायबिलिटी है इसकी, अदरवाइज एक्स्ट्रा कोई लायबिलिटी नहीं होती कोई मेंबर की, ठीक है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, स्टेबल एग्जिस्टेंस मतलब अस्थाई अस्तित्व। क्या है अस्थाई अस्तित्व? कि भैया कोई आदमी रिटायरमेंट हो जाए, कोई आदमी की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये बिजनेस वैसे का वैसे ही रहेगा, अपना चलता रहेगा, कोई मेंबर चला गया, कोई मेंबर छोड़ गया, कोई नया आ गया, कोई मर गया, कुछ भी हो जाए, ये एग्जिस्टेंस में ही रहती है, कभी खत्म नहीं होती। कब खत्म होगी? जब सारे मेंबर एक साथ मिलकर कह दें कि चलो अब इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ये ऐसा बिजनेस चलाना बहुत आसान होता है, सस्ता होता है, हिंदी में बोलते हैं मितव्ययी है, मितव्ययी है, मितव्ययी है। क्या मितव्ययी है? कम खर्चीला है। यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से काम करने आते हैं, अपनी खुशी से दान दक्षिणा करने आते हैं, इसलिए किसी को रेमुनरेशन ना देके ऑनरेरियम दिया जाता है, ऑनरेरियम दिया जाता है। क्यों ऑनरेरियम दिया जाता है? भैया आपके सम्मान में कुछ पैसा दिया जाए, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम, दक्षिणा। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, भैया ये हम सोशल वेलफेयर के लिए बनाते हैं, ये सोसाइटी क्या होती है? सोशल वेलफेयर के लिए बनती हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, इसमें सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, आसानी से बन जाती है, क्यों? क्योंकि मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर चाहिए तो ये आसानी से बन जाएगी। दूसरी, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होनी चाहिए, किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं उसके। सेकुलरिज्म होती है, डेमोक्रेटिक वाली बात तो यहाँ हमने पढ़ ली कि एक आदमी की एक वोट होता है, लेकिन सेकुलरिज्म नहीं पढ़ा।
सेकुलर होती है, कोई भी रिलीजन, कास्ट, धर्म, कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो, कोई भी आदमी यहाँ आके मेंबर बन सकता है। अच्छा सर, फायदे तो हो गए, नुकसान क्या क्या हो सकते हैं सर इससे? चलिए नुकसान भी देख लेते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित साधन या सीमित संसाधन। क्या है भैया, यहाँ पे लिमिटेड लोग ही मेंबर आके बनते हैं तो पैसा बहुत लिमिटेड आता है। गवर्नमेंट कुछ दे दे तो दे दे, वरना कहीं से पैसा जल्दी आ नहीं पाता। लैक ऑफ सिक्योरेसी मतलब कि भैया जब भी कोई काम करवाना होता है तो सारे मेंबर से बातचीत की जाती है, यूनानिमस कंसेंट चाहिए होता है, यूनानिमस कंसेंट चाहिए होता है, सर्वसहमति, क्या बोलते हैं, सर्वसहमति, सबसे पूछना पड़ेगा। तो जब भी कोई काम करना होता है तो हमें सबकी मीटिंग बुलानी पड़ती है, बुलाने के बाद सबसे बात करनी पड़ती है, क्योंकि डिफरेंट इन ओपिनियन, सबका मत अलग अलग होता है, सबका कोई कुछ सोच रहा है, कोई कह रहा है ये अच्छा है, कोई कह रहा है नहीं है, ठीक नहीं है, ये नुकसान करेगा, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। अच्छा, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, कुछ डोनेशन देती है तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है, हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, जैसी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी हमको वैसे काम करना पड़ेगा। इनफिशियंसी इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकुशल प्रबंध, हिंदी में क्या बोलते हैं, अकुशल प्रबंध। क्या होता है अकुशल प्रबंध? ऐसा प्रबंध जो अच्छे से काम नहीं कर पाता हो, इफेक्टिव ना हो, हम काम तो कर रहे हैं पर उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आदमियों की कमी होती है, इंसान मैनेजर अच्छा नहीं मिल पाए तो बिजनेस हमारा बैठ जाएगा। अगर चार लोग मिलके चला रहे हैं, किसान वगैरह, तो उनको मैनेजमेंट क्या ही आता है, तो इसलिए क्या है, इनइफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट होती है, अकुशल प्रबंध होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं कोऑपरेटिव होने के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होने के। पैसे का इंतजाम आसानी से हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कभी बहुत हाई ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी दिक्कत आती है, लोगों को नुकसान हो सकता है इसमें। ठीक है, खैर ज्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मिनिमम रखा जाता है, क्योंकि ये दूसरे की, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बना था, कोई प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बना था। ठीक है, तो ये रही आपकी वीडियोस, 12th के लिए यही समाप्त है। ठीक है, मिलते हैं फिर, गुड लक। चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये 6 तरह की होती है, 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिसमें पहला है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। भैया क्या कहना चाहता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी? देखिए, इसमें सिर्फ वही लोग आके मेंबर बनते हैं, मेंबर वही लोग आगे बनते हैं जिनको गुड्स खरीदना होता है, किसी भी तरह का गुड्स खरीदना होता है। अच्छा, ये सोसाइटी जो है कैसे काम करती है, ये गुड्स को सस्ते दामों पर खरीदकर, गुड्स को रीजनेबल प्राइस पर खरीदकर, सस्ते दामों पर खरीदकर अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करती है, मेंबर्स मतलब जो लोग आए थे मेंबर बनने गुड्स खरीदने के लिए, उन्हीं मेंबर को सस्ते दामों पर प्रोवाइड करती है। कैसे? मिडिल मैन को हटाकर, कभी कभी डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीद लेती है, जो सामान बनाता है प्रोड्यूसर से खरीद लेती, कभी कभी होलसेलर से। सर अभी आपने कहा मिडिल मैन को हटा दिया, पर आप लिख रहे हैं होलसेलर,
बेटा होलसेलर एक मिडिलमैन तो है, पर इसके बाद भी एक आता है रिटेलर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, कभी कभी प्रोड्यूसर से डायरेक्ट खरीद लेती है, कभी कभी होलसेलर से खरीद लेती है, इसलिए रिटेलर से खरीदने नहीं जाती। एक कंज्यूमर डायरेक्ट जाके रिटेलर से खरीद सकता था, पर थोड़ा सा दाम महंगा हो जाता। तो सोसाइटी क्या करती है, गुड्स को सस्ते दामों पर खरीद के अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करती है। तीसरी बात, अगर कुछ प्रॉफिट हो जाए तो कैपिटल जितनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जितनी कैपिटल लगाए हैं मेंबर, ये मेंबर जितनी कैपिटल लगाए हैं उस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, या फिर किस रेशियो में बांट देते हैं उस प्रॉफिट को, या फिर बांट देते हैं जितने का गुड्स खरीद रहे हैं, जितने का गुड्स खरीद रहे हैं उस रेशियो में सबको बांट दिया जाता है प्रॉफिट को। ठीक है, प्रॉफिट सबके बीच में बांट दिया जाता है। दूसरा है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या है इसमें भैया, इसमें जो मेंबर्स होते हैं या ये सोसाइटी ये क्या करती है, रॉ मटेरियल खरीदती है और स्मॉल प्रोड्यूसर को, छोटे उत्पादकों को प्रोवाइड करती है। क्यों छोटे व्यापारियों को, क्यों छोटे उत्पादक को? क्योंकि भैया जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं वो मार्केट को बीट करके रखते हैं, तो ज्यादा सस्ते दामों पर अगर छोटे प्रोड्यूसर को मिलेगा सामान तो वो भी कुछ प्रॉफिट अच्छी कमा पाएंगे। तो ये प्रोड्यूसर की हेल्प के लिए बनाया जाता है। इसमें मेंबर कोई भी बन रहा हो, चाहे छोटा प्रोड्यूसर ही बन रहा हो, छोटा स्केल का प्रोड्यूसर, या कोई नॉर्मल मेंबर बन रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बनती है किस लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए। पहला क्या था, कंज्यूमर्स के लिए, दूसरा क्या है, प्रोड्यूसर्स के लिए। ऐसी सोसाइटी जो प्रोड्यूसर्स की हेल्प करती है एक रीजनेबल प्राइस पे क्या प्रोवाइड कराती है, इनपुट मतलब होता है रॉ मटेरियल, क्या होता है, कच्चा माल, जिसको हम चेंज करके माल बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें जो प्रॉफिट होंगी वो क्या होगा सर, अगर कुछ प्रॉफिट हो रही है तो मेंबर बांट लेंगे, मेंबर किस रेशियो में, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में, जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने, जितना कैपिटल लगाया है। प्रॉफिट कहां से आएगी भैया, सामान बेचने या खरीदने में। देखिए, इसने कहा छोटे व्यापारियों से, छोटे उत्पादकों से, तुम सामान बनाओ मैं तुम्हें सस्ते पे दूंगी और फिर मुझे बेच देना और मैं फिर ले जाकर मार्केट में बिकवा दूंगी, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा क्या है भैया, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, ऐसी सोसाइटीज जो मार्केटिंग में हेल्प करती हूं, जैसे कि एक स्मॉल प्रोड्यूसर ने सामान बनाया, अब वो बेचेगा कैसे, इन सोसाइटीज की हेल्प से। ये क्या दे देंगी, सर्विसेज देंगी, जैसे कि भेजने की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, है ना, एटसेट्रा, इंश्योरेंस वगैरह करवा देंगी। जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उनको मार्केटिंग की सर्विसेज देती हैं। क्या क्या देती हैं, मार्केटिंग की सर्विसेज देती हैं। अच्छा, अगर इसमें ये सामान जो उन्होंने स्मॉल प्रोड्यूसर ने बनाया था सोसाइटी ने बिकवा दिया, अगर वहां से कुछ प्रॉफिट हो गई तो वो मेंबर्स बांट लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मेंबर्स बांट लेते हैं, उनके कैपिटल में चली जाती है। अच्छा सर, चौथा है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या होती है भैया, ऐसी सोसाइटी जो फार्मर को हेल्प करती है ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सके।
ज्यादा प्रोडक्शन कर सके कि भैया आप क्या करो ज्यादा प्रोडक्शन। अगर तुम्हारे पास सुविधाएं नहीं है, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, सीड्स मतलब बीज हो क्या, फर्टिलाइजर्स मतलब खाद वगैरह एटसेट्रा, अगर तुमको इन सब चीजों की जरूरत है तो ये सोसाइटी प्रोवाइड करेगी। आप बस क्या करो खेती करो, किसानी करो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो। अच्छा, ज्यादा प्रोडक्शन होने से भैया प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट का क्या किया जाएगा, प्रॉफिट का सारे इंडिविजुअल मेंबर में बांट दिया जाएगा। जो कि उस प्रोडक्शन में हेल्प किए हैं, जितनी जितनी कैपिटल लगाए होंगे उसी रेशियो में बांट दिया जाएगा। पांचवा क्या है, सहकारी साख समिति क्यों बनाई जाती है भैया? ये उन मेंबर्स के द्वारा बनाई जाती है, उन लोगों को मेंबर बनाया जाता है जिनको लोन चाहिए होता है। भैया मार्केट में जाएंगे, बैंक वगैरह महाजन वगैरह क्या देते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए इन लोगों से बचने के लिए हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ना देना पड़े, इसके लिए क्या करते हैं, कुछ लोग मेंबर बन के आपस में ही पैसा इकट्ठा करने लगते हैं और जिसको जरूरत होती है उसको आपस में लोन देना शुरू कर देते हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉफिट होती है तो लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल मेंबर बांट लेता है किस, या तो उस रेशियो में जितना उसने लोन उठाया है या उस रेशियो में जितना उसने डिपॉजिट बनाई थी। सब कोई मिलकर पैसा जमा करता है, एक दिन मैंने एग्जाम्पल दिया था, जमा करके उसको क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जिसको जरूरत होगी उसको क्या किया जाएगा, लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी भी बता दीजिए। आखिरी बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, अगर मेरी वीडियो समझ में नहीं आती है तो कृपया मुझे इस नंबर पे बताएं, कुछ कमी जो आपको नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप आराम से टेक्स्ट छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पे, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। पर अगर समझ में आता है भाई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, उससे क्या होगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, मेरी वीडियो सबको पसंद आ रही है, अगर सबको नहीं तो कुछ को पसंद आ रही है, और उससे पता चलता है कि हाँ बच्चे एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा कि मैं पढ़ाता जा रहा हूँ कोई पढ़ भी नहीं रहा। खैर यूपी बोर्ड के बच्चे थोड़ा कम सीरियस हो जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं करिए आप लोग, आप थोड़ा ज्यादा सीरियस रहिए क्योंकि अगले साल आप लोगों का बोर्ड्स है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से बेटा, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो इस पे व्हाट्सएप करिए। दूसरी बात कि भैया मेरी वीडियोस को शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स तक, सब्सक्राइब कर लीजिए और उनसे भी बोलिए कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं वैसे वो भी आराम से पढ़ाई कर सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आखिरी है हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इन सोसाइटीज का मेन उद्देश्य होता है कि लोगों को एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए। एकोमोडेशन मतलब रहने के लिए घर, देखिए हाउसिंग लिखा है, एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए, रहने के लिए घर प्रोवाइड किया, चाहे वो फ्लैट दे रही हो, चाहे वो भैया प्लॉट दे रही हो, जमीन वगैरह कि आप घर बनवा लीजिए सस्ते दामों पर, जो प्रोवाइड करती है उन्हीं लोगों को मेंबर बनाती है जिनको घर की जरूरत है, जिनको हाउस की नीड है, जो नीडी लोग हैं, जिनको एकोमोडेशन की जरूरत है, जिनको घर चाहिए, उनको क्या करती है, एकोमोडेशन दिलवाती है सस्ते रेट पे, घर फ्लैट वगैरह इंस्टॉलमेंट में दिला देती है कि भैया लो एक साथ नहीं खरीद सकते तो इंस्टॉलमेंट में खरीदो, आराम से खरीदो, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे खरीदो। लोग बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं इंस्टॉलमेंट में, आप क्या करो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास अपने मेंबर्स के पास घर होना चाहिए। अगर कोई प्रॉफिट हो तो
अगर कुछ प्रॉफिट हो जाए इस सोसाइटी में तो मेंबर्स के द्वारा बांट लिया जाता है, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जितना उन्होंने कैपिटल के रूप में इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया होगा उतना ही प्रॉफिट में उनका शेयर होगा, चलिए अब आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सकें। ठीक है, गुड लक बच्चा।